बच्चों, पोएट्री पोर्शन हमारा कवरअप हो रहा है और पोएट्री में आज हमारे नाइन्थ पोयम हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है रिफ्यूजी ब्लूज, विच इज रिटन बाय विशन हब ऑर्डन। जब हम बात करते हैं रिफ्यूजीज की, तो बच्चों हमें पता है शरणार्थी होना किसे कहते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब आप अपने घर को छोड़कर, कई ऐसी विपदाएं आ गई हैं, कई ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गया है कि आप अपने बने बनाए घर को छोड़कर आप दूसरे जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे विस्थापित के रूप में आपको माना जाता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम आपको बताएं कि जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था, तो कितने ही जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ टर्न आउट हुए और कितने ही पाकिस्तानी हैं जो इंडिया की तरफ आए थे। अगर आपने मिल्खा सिंह की जीवनी पढ़ी है तो आपको ये भी पता होगा, जो मिल्खा सिंह हैं वो भी शरणार्थी विस्थापितों में ही आए थे। बट शरणार्थी होना और विस्थापित होना थोड़ा सा अलग सर्कमस्टांसेस हो गया है। क्यों? क्योंकि शरणार्थी क्या करते हैं, दूसरे ही देश में जाके, दूसरे ही जगह पे जाके शरण लेते हैं, और वहाँ पे शरण लेने के बाद में क्या उनकी ज़िंदगी सही रहती है, क्या वो अपनी ज़िंदगी को पटरी पे बैठा पाते हैं, हाँ या नहीं, ये हमें इस पोयम से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। बिकॉज इस पोयम में जो रिफ्यूज़ी है उनकी एक मार्मिक कहानी का चित्रण किया है, और इसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ पे कितने सर्कमस्टांसेस में उनको मरा हुआ मान लिया जाता है, उनको सर्टिफिकेट दिखाई अदरवाइज यू आर डेड। तो कई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें इनको अपनी ज़िंदगी की उठा पटक को ले जाना पड़ता है। आप इसको मेरे संग पढ़िए और अनुभव कीजिए और सोचिए कि क्या रिफ्यूज़ी होना आसान है क्या। हम कई बार कहते हैं कि हमारे इंडिया में भी कई रिफ्यूज़ीज़ रहते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियां सही हैं, अगर हैं तो कैसे, और नहीं है तो कैसे नहीं है। मेरे हिसाब से रिफ्यूज़ी होना बहुत ही पेनफुल है। अगर हम इस पोयम को पढ़ लेते हैं तो इनका जो पेन है वो हमें यहाँ पे इजीली शो होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम पोयम पढ़ें, उससे पहले हम किसके बारे में रीड आउट करेंगे हमारे फर्स्ट पार्ट में, अबाउट पोएट, पोयम एंड लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, तो जब हम पोएट की बात करते हैं तो पोएट जो हैं उनके बारे में हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इनका आपको पूरा नाम बताएं। विशन हग ऑर्डन वाज बॉर्न ऑन 21 फेब 1907 इन यॉर्क, यूनाइटेड किंगडम। पूरा नाम देखिए, विशन हग ऑर्डन, इनका बर्थ हुआ था 21 फेब को 1907 में इन यॉर्क, यूनाइटेड किंगडम में। जब हम बात कर रहे हैं 1907 और यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं, तो उस समय की इनके जो इन्होंने पोयम लिखी है उसकी परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो हमें रिफ्यूज़ी की जो कल्पना है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगी। ही वॉज ए स्टूडेंट एंड लेटर अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये सबसे पहले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं, और बाद में एज अ प्रोफेसर इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं भी दी हुई हैं। हम बात करते हैं पोएट्री की, तो हम क्या देखते हैं, हिज पोएट्री वॉज नोटेड फॉर इट्स स्टाइलिस्टिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट। सबसे पहले तो इनके पोएट्री लिखने का स्टाइल और फिर इनका जो टेक्निकल अचीवमेंट है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। देखिए कैसे, इट्स एंगेजमेंट विद पॉलिटिक्स, मोरल्स, लव एंड रिलीजन एंड इट्स वैरायटी इन टोन, फॉर्म एंड कंटेंट। तो पोएट्री में इतनी सारी चीज़ों को शुमार करना, लिटरेरी डिवाइसेस को ऐड करना, संग में ही पॉलिटिक्स को ऐड करना, संग में ही मोरल वैल्यूज़ को ऐड करना, एंड हम कहते हैं उसी में आपके पास में लव का भी मिक्सचर होना चाहिए, रिलीजन भी होनी चाहिए, तो एक पोएट्री अपने आप में बहुत ही महारत हासिल किए हुए होती है। तो इनकी कई पोएट्रीज हैं जिनमें इन सब चीज़ों को समावेश करके हमारे सामने रखा गया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द सेंचुरी, और इन पोएट को पूरी सेंचुरी में अगर हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएट के रूप में देखा जाता है।
ही हैज़ पब्लिश सेवरल कलेक्शंस ऑफ पोएम्स नोटेड फॉर देयर आयरनी कंपैशन एंड विट। इन्होंने कई सारे पोएम्स के कलेक्शंस दिए हैं हमें, जिसमें हम क्या देखते हैं, पोएम्स में आयरनी है, पोएम में कंपैशन है एंड विट भी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आप बार बार कोई पोएम पढ़ेंगे तभी आप उसमें छांट पाएंगे कि इस पोएम को लिखने के पीछे क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, किस नज़रिए से इस पोएम को लिखा गया है। हम इनकी बात करते हैं पोएम्स की, तो हम क्या देखते हैं, फ्यूनरल ब्लूज़ है, वह भी इनके द्वारा ही रचित है। इसके अलावा म्यूसिडेक्स, ब्योक्स, आर्ट्स और द एज ऑफ एंजाइटी एक्सेट्रा, इनके अलावा कई कलेक्शंस हैं इनके पोएम्स के, जो हम समय समय पर रीड आउट करते हैं और फीलिंग्स जो हैं उन्हें हम देखते हैं कि सर ने पोएट्स में कितनी अच्छी फीलिंग्स को इंक्लूड किया है। हम बात करते हैं इनके डेथ की, तो हम क्या देखते हैं, ही वॉज डाइड ऑन 29 सितंबर 1973 इन वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में इनकी डेथ होती है 1973 में। और हम क्या देखते हैं कि ये जो इनका पोएम है, इट मीन्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं रिफ्यूजी ब्लूज़, तो इसमें इनकी जो चीज़ें हैं, चीज़ों का मतलब है इन्होंने जो भी आयरनी, वेट और लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की है उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब पढ़ते हैं अबाउट द पोएम, समरी ऑफ द पोएम। पोएम कब लिखी गई है, 1939 में इस पोएम को लिखा गया है। द पोएम वॉज रिटन इन 1939 व्हाइल ऑर्डन वॉज लिविंग इन न्यूयॉर्क। कब लिखी गई है बच्चों ये पोएम, जब ऑर्डन न्यूयॉर्क में रह रहे थे। द पोएम डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ ज्यूज रिफ्यूजीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी के टाइम में जो ज्यूज रिफ्यूजीज थे उनकी दशाओं को लिखने का मेन मुख्य उद्देश्य था, और इसीलिए इस पोएम को क्रिएट किया गया है, लिखा गया है। द पोएम इज स्पोकन बाय ए ज्यूइश रिफ्यूजीज लिविंग इन न्यूयॉर्क। और ये जो पोएम लिखी है ये किसने लिखी है, कौन इसको पढ़ रहा है। द पोएम इज स्पोकन, कौन, हमने देखा लिखना, लिखने के लिए हम कहते हैं ऑर्डन सर ने लिखी है, बट इसमें जब हम कहते हैं कि एज ए स्पीकर कौन है यहाँ पे, तो स्पीकर है रिफ्यूजी। कहाँ के हैं वो रिफ्यूजी, ज्यूइश रिफ्यूजी हैं जो न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये जो रिफ्यूजीज़ हैं इनको कैसी कैसी सर्कमस्टांसेस से गुज़रना पड़ता है, ये जो रिफ्यूजीज़ हैं इनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ये अपने लवर को बता रहे हैं इस पोएम में। He is addressing his lover and reflecting on the fact that he and many other refugees in a similar positions are not made welcome in the city. अपनी लवर को बात बताते हुए जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि मैं और मेरे बहुत सारे जो साथी हैं उनको क्या कहा गया है, उनको वार्म वेलकम नहीं मिल रहा है, उनको कहीं पे भी प्रवेश के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा है। लेट अस अज्यूम देयर आर 10 मिलियन पीपल लिविंग हियर इन न्यूयॉर्क सिटी। और अपने लवर को बताते हुए स्पीकर कहते हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि नियर अबाउट 10 मिलियन पीपल्स न्यूयॉर्क सिटी में रह रहे हैं। सम ऑफ देम आर रिच एंड सम अदर्स आर पुअर। देखिए बच्चों, ये एक सर्कमस्टांस होता है, यहाँ पे ये चीज़ मेन मुद्दा होती है कि हर जगह जो अमीरी और गरीबी की खाई है वो पर्याप्त है, और यहाँ पे भी हम देखें अमीरी और गरीबी में जो खाई है वो बनी हुई है। कई जो हैं वो बहुत अमीर हैं और कई जो हैं वो बहुत ही गरीब हैं। येट देर इज़ नो रूम फॉर अस, और कहते हैं कि हम शरणार्थी हैं, हमारे लिए तो कमरों तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे स्पीकर कंटिन्यू कर रहे हैं, वी यूज टू हैव अ कंट्री, इट वॉज आवर्स, इट स्टिल एग्जिस्ट देयर। हमारा तो खुद का एक देश होता था, हम तो बहुत अच्छी जगह रहते थे, और वह अभी भी अपनी जगह है। पोयम को आगे एक्सपैंड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, बट वी कैन नॉट रिटर्न देयर। बट अब जो रिफ्यूजीज़ है उनकी कंडीशन क्या हो गई है,
कि वो अपनी कंट्री में जा ही नहीं पा रहे हैं. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस. वी यूज्ड टू हैव अ कंट्री, इट वॉज आवर्स. यू ट्रीज ग्रोइंग देयर कैन ब्लूम अगेन. और स्पीकर कल्पना कर रहे हैं कि जो यू ट्री है, एक तरह के जो पेड़ हैं, वो वहाँ पर वापस खिलना शुरू हो गए होंगे, उनकी ग्रोइंग वापस वहाँ पे हो रही होगी. बट वंस वी फ्लैड फ्रॉम आवर होम लैंड वी डिड सो फार गुड. बोले एक ऐसा इनके दिमाग में उथल पुथल मच रही है कि व्हेन वी फ्लैड फ्रॉम आवर होम लैंड वी डिड फार सो गुड, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं. Here in New York, we were told that if we didn't have a passport, we were officially dead. और refugee जो हैं अपने मन की व्यथा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे New York में तो हमें यह कहा जा रहा था कि अगर आपके पास में passport नहीं है, then we are officially dead. हमें officially डेड मान लिया जाएगा. तो ये जो कल्पना है, इस कल्पना से आदमी की रूह कांप उठती है. इस कल्पना से उसको कितना भयंकर दुख हो रहा होगा. देखिए बच्चों, अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह पे जाना और वहाँ पे उनको ये कहा जाए कि इफ़ यू हैव पासपोर्ट देन इट्स ओके एंड इफ़ यू हैव नो पासपोर्ट तो आप ऑफिशियली डेड है. आई वेंट टू अ कमेटी बट देर सेट टू कम बैक नेक्स्ट ईयर. और रिफ्यूजी अपने लवर को बताते हैं कि मैं एक कमेटी के पास में भी गया था, बट कमेटी ने क्या कहा, अभी मत आइए, आप तो अगले साल यहाँ पे हमसे मिलने आइएगा. बट हाउ वी आर गोइंग टू ईट इन द मीन टाइम. परंतु जो रिफ्यूजीज हैं उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास में समय है, इस समय में हम खाना कैसे खाएं, इट मीन्स खाने का बंदोबस्त किस प्रकार की करें. At a public meeting, somebody got up and argued against refugees. और एक public meeting की बात करते हैं speaker और कहते हैं कि एक public meeting हुई थी जिसमें somebody got up, मतलब एक बंदा खड़ा हुआ और उसने क्या कहा, refugees के against में argument भी देने लग गए हैं वो. He did not like refugees letting into the country. और जो कंट्री पीपल हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि रिफ्यूजीज उनके देश में आकर रहें. बिकॉज ही सेड दैट दे विल स्टील नेटिव न्यू यॉर्कर्स वर्क एंड फूड. और इसके पीछे एक रीज़न बताया जा रहा है, इसके पीछे रीज़न कहा जा रहा है कि अगर शरणार्थी यहाँ रहने लग गए तो वो उनका खाना ले लेंगे, उनका काम ले लेंगे. क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं मिलता है तो व्यक्ति कम रेट पे काम करना शुरू कर देता है. और जब कम रेट पे आपको लेबर मिल रही है, पर्सन मिल रहा है, वर्कर मिल रहा है, तो नो डाउट जो हाई रेट वाले होते हैं उनको ऑफिस से या जो वर्किंग प्लेस है वहाँ से निकाल दिया जाता है. तो ये जो रिफ्यूजी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और जो कंट्री पीपल हैं वो अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन में ले रहे हैं कि अगर हमने रिफ्यूजीज़ को हमारी कंट्री में रख लिया तो ये हमारे जो फूड्स हैं, खाना है, हमारे जो काम हैं उनको ही ये चोर लेंगे. इट मीन्स उनको हमसे ले लिया जाएगा और हमें स्ट्रगल लाइफ में जीना पड़ेगा. आई हर्ड द थंडर रंबलिंग एंड इट पुट मी इन बिहाइंड ऑफ एडोल्फ हिटलर कॉलिंग फॉर ज्यूज लाइक अस टू बी किल्ड. अब जो है स्पीकर की बातें हैं उसको देखिए, और क्या था उसमें, उनके दिमाग में किसकी बात आ गई, एडोल्फ हिटलर सर की बात आ गई. एडोल्फ हिटलर सर के बाद से उनके क्या दिमाग में आया कि ज्यूज जो हैं लाइक अस टू बी किल्ड, उनको तो ख़त्म कर दिया जाना ही उचित है. आई लुक अराउंड एंड सी यूरोपियन डॉग्स एंड कैट्स. और फिर रिफ्यूजी अपने दिमाग में क्या कहते हैं कि मैंने अपना सिर थोड़ा सा ऊंचा किया और मैंने क्या देखा, यूरोपियन डॉग्स और कैट्स हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं. दे हैव बीन अलाउड इन टू अमेरिका टू लिव बट जर्मन ज्यूज लाइक अस आर नॉट अलाउड टू कम हेयर. अब देखिए यहाँ पे यूरोपियन डॉग्स और कैट्स की बात की जा रही है. यूरोपियन डॉग्स और कैट्स को तो अलाउड किया जा रहा है कि वो इनसाइड द सिटी आ जाएं, बट किसको नहीं अलाउड किया जा रहा है, जो जर्मन्स हैं, जर्मन ज्यूज़ हैं, दे आर नॉट अलाउड,
उनको बिल्कुल मना कर दिया गया है कि नहीं, आप शरणार्थी हैं, आप हमारे देश में नहीं आ सकते हैं। इवन द फिश इन द हार्बर सीम टू बी फ्रीयर देन अस। और एक कल्पना और बता के अपनी बात को बढ़ाया गया है। क्या कहा गया है? जो फिश है हार्बर पे, वो भी हमसे तो ठीक है, उनको भी एक फ्रीयर है कि हमसे तो वो मच बेटर हैं। इन अ ड्रीम आई सॉ अ वेस्ट अपार्टमेंट बिल्डिंग विद अ 1,000 फ्लोर, 1,000 विंडोज एंड 1,000 डोर्स, येट देयर वॉज नॉट अ रूम फॉर अस हेयर। और अपनी बात को स्पीकर आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मैंने अपने सपने में एक ऐसा अपार्टमेंट देखा। अब यहाँ पे देखिए, 1,000 को रिपीटेशन में डाला गया है ना, तो क्या क्या देखा उन्होंने? एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 1,000 तो फ्लोर्स हैं और कई सारे विंडोज़ हैं, 1,000 विंडोज़ हैं, 1,000 डोर्स हैं, परंतु फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोगों के लिए, रिफ्यूजीज़ के लिए एक सिंगल रूम भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आई स्टूड इन द स्नो एंड सॉ 10,000 सोल्जर्स मार्चिंग अराउंड एंड लुकिंग फॉर रिफ्यूजीज लाइक अस। और बर्फ़ के ऊपर खड़े होके स्पीकर क्या देखते हैं, जो पोएम है रिफ्यूजी ब्लूज, उसके स्पीकर क्या देखते हैं कि 10,000 सोल्जर्स जो हैं वो मार्च कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो हम जैसे रिफ्यूजीज को ही देखने के लिए, ढूंढने के लिए आ रहे हैं। तो बच्चों, अब आप अपने इमेजिनेशन से देखिए कि क्या हालत हुई होगी जब हमारे इंडिया का पार्टीशन हुआ था। इंडिया के पार्टीशन में कितनी प्रॉब्लम, यहाँ पे आप बसा बसाया घर है और यहाँ से छोड़ के आपको पाकिस्तान जाना है, या पाकिस्तानी हिंदूज के पास में बसे बसाए वहाँ पे घर थे और उनको यहाँ पे आना हुआ। तो ये जो सरकमस्टांसेस हैं, अपने घर से हम भी कल्पना करके देखें, कहीं घूमने भी जाते हैं तो 5-7 दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, बट लास्ट में हमें हमारे घर पर आकर ही सुकून मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है रिफ्यूजीज़ की, इसको बहुत अच्छे से इस पोएम में रेज आउट किया गया है और हम सब के सामने एक प्रश्न रखा गया है कि क्या हमें घर से दूर किसी भी परिस्थिति में जाना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इस पोएम में कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस का भी यूज़ किया गया है, जिसमें सबसे पहले है कैसुरा। क्या है ये देखिए, कैसुरा ऑकर्स व्हेन अ लाइन इज स्प्लिट इन हाफ, समटाइम्स विद पंक्चुएशन, समटाइम्स एटसेट्रा। तो कोई भी लाइन है उसको तोड़ दिया जाता है या उसके बीच में कोई किसी भी तरह का पंक्चुएशन यूज किया जाता है, फुल स्टॉप है, कॉमा है या सेमी कॉलन है, तो इस तरह से अगर किया जाता है तो वो कैसुरा कहलाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देती हूँ इस पोएम के अंदर से। द लास्ट लाइन ऑफ ईच स्टेंजा इज इंटरप्टेड विद माय डियर। हर स्टेंजा के लास्ट लाइन में माय डियर, इन बिटवीन द वेराइंग रिपीटिंग फ्रेजेस, और अलग अलग जो रिपीटेड फ्रेजेस हैं उनके संग इसको भी इंक्लूड करके कैसुरा को अपने बात को प्रोमिनेंटली रखने का जो लिटरेरी डिवाइसेस है वह पोएट के द्वारा यूज़ किया गया है। इसके अलावा रिपीटेशन यूज़ किया गया है। एग्जांपल बताते हैं बच्चों आपको। एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा वेयर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द लाइन्स आर आइडेंटिकल। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ जो हैं उनमें जो रिपीटेशन है उसको यहाँ पे शो किया गया है। इट रिमाइंडेड प्लेस एंड इनएस्केपेबल देयर सिचुएशन वाज। और जो स्पीकर है वो अपनी बात को रखते हुए महसूस करते हैं कि हम कितने होपलेस, मतलब निराशावादी हो गए हैं, हमारे पास में कुछ भी खाना नहीं बचा है, हमें पासपोर्ट नहीं होने के कारण ऑफिशियली डेड मान लिया गया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो सिचुएशंस हैं, इनको यहाँ पे रेज आउट करना पोएम को रिपीटेशन में डाल के बहुत ही अच्छे से यूज़ किया गया है लिटरेरी डिवाइसेस को। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूजन। एल्यूजन में देखिए,
means to call something specific to mind without directly stating it. किसी को शो करना विदाउट उसको स्टेटिकली दिखाते हुए. देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको. पोएट इज एबल टू स्पीक अबाउट नाजी जर्मनी इन द फर्स्ट फ्यू स्टैंजास. फर्स्ट जो फ्यू स्टैंजास हैं उनमें जो पोएट हैं वो नाजी जर्मनी के बारे में बात कर रहे हैं विदाउट इवन हैविंग टू से द नेम ऑफ द कंट्री और द टाइम पीरियड. और आप सबसे बड़ी बात देखिए कि ना तो कंट्री का कहीं पे नाम लिया गया है ना एक स्पेशल टाइम पीरियड को एक्सप्रेस किया गया है. इसके अलावा देखिए इन द लास्ट स्टेंजास द स्पीकर मेक्स एल्यूजन्स टू द वेज दैट फ्यूज वर बीइंग हंटेड डाउन इन जर्मनी एंड बियॉन्ड. एक और जो लास्ट स्टेंजास हैं वहाँ पे भी स्पीकर क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो फ्यू लोग हैं उनको भी जर्मनी और बियॉन्ड में एकदम से हंटेड डाउन के पोजीशन में इट मींस कि उनको होपलेस पोजीशन आ गई है. उनको ये कहा गया है कि 10,000 जो सोल्जर्स हैं वो मार्च पास्ट कर रहे हैं उनके लिए. तो ये जो सिचुएशंस है इसमें एल्यूजन्स का यूज़ करना, उसमें कैसुरा का यूज़ करना, उसमें रिपीटेशन का यूज़ करना. इसके अलावा टाइम टू टाइम जब हम ये एक बड़ी पोयम है 10 स्टैंजास से बड़ी पोयम है तो हम इसे रीड आउट करेंगे बच्चों. तो आप देखिएगा एक एक चीज़ हमारे दिल को बहुत ही पंच करती है. हमें भी एहसास होता है कि अरे अगर रिफ्यूजीज़ की ऐसी लाइफ है तो हमारे टाइम में जो कई लोग रिफ्यूजीज़ के रूप में रहे थे पार्टीशन के रूप में आए थे इंडियंस में, या हम मिल्खा सिंह का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों. तो मिल्खा सिंह ने इंडिया में आके इंडिया के लिए इतना बड़ा काम किया इट मीन्स वो बहुत ही अच्छे धावक बने. लेकिन उनके दिमाग में वो जो टीस थी अपने पैतृक जगह की अपने बर्थ प्लेस की वो हमेशा उनके दिमाग में टीस रही है. आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे बच्चों तो आप इसको इजीली समझ पाएंगे कि ये जो पोएट हैं ये स्पीकर के माध्यम से हमें कितनी मार्मिक पोएम को पढ़ने के लिए दे रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट में आप हमारे साथ बने रहिए. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस. बच्चों तब तक आप इसे रीड आउट करेंगे और बने रहेंगे बिंदु के साथ. नमस्कार.